अस्सलामुअलैकुम। अलियानी फार्म्स चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपकी खिदमत में एक नई रिसर्च के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो है सागवान के बारे में। सागवान, इसका ट्रेंड पहले पाकिस्तान में नहीं था, अभी कुछ ही अरसे से ये शुरू हुआ है। इसकी अभी जो दो अकसाम हैं वो पाकिस्तान में दस्तयाब हैं हाइब्रिड सागवान की। एक है उसका नाम, उसको रूट कल्चर कहते हैं, और दूसरी है टिशू कल्चर। और इसके पौधे, वो मैंने पता करवाया है, सिर्फ दो जगहों पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, खसूसन पंजाब में, एक पत्तों की में और एक नर्सरी है चिन्योट के अंदर, जहाँ पे ये पौधे दस्तयाब हैं। जो पत्तों की वाली है उसमें रूट कल्चर के पौधे दस्तयाब हैं, और उसकी कीमत जो मुझे बताई गई है वो 500 रुपए फी पौधा पत्तों की में मिलेगा। और टिशू कल्चर वाले पौधे उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो चिन्योट में दस्तयाब हैं, और उसकी रेट जो बताया गया है वो 1000 रुपये फी पौधा बताया गया है। और इसके लगाने का मौसम फरवरी का एंड और मार्च के शुरू में है, या फिर गर्मियां ख़त्म होने के बाद अगस्त के स्टार्ट में या जुलाई के एंड में होता है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा मुवाजना या फ़र्क बता दूं रूट कल्चर और टिशू कल्चर में। ये जो टिशू कल्चर प्लांट है या पौधा है, ये 8 से 10 साल के अरसे में तैयार हो जाता है, और रूट कल्चर जो पौधा है वो 12 से 15 साल के अरसे में तैयार होता है। उसका जो बढ़ोतरी का या ग्रोथ रेट है वो कम है। तो इससे ये साबित होता है, या जितने भी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जिनका तजर्बा है, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हमेशा टिशू कल्चर प्लांट का ही, पौधे का ही मशवरा दिया है। इसके लिए ज़मीन और मौसम कैसा चाहिए। सागवान मीरा ज़मीन पर काश्त किया जाता है। इसको ज़्यादा सेम ज़्यादा इलाके में काश्त नहीं किया जा सकता, यानी नमकीन ज़मीन में या मिट्टी में, और ज़्यादा पानी जहाँ भर के खड़ा हो जाए वहाँ भी ये काश्त के लिए मौजू नहीं है। और इसकी जो फिजिबिलिटी है वो ये है कि इसका रेट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में ये अभी लोग एक एकड़ सागवान लगाने के बाद 5 से 8 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं इस अरसे के दौरान। इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने सिर्फ प्लांटेशन करनी है, पौधे लगाने हैं, लगाने के बाद इसको पानी जब ज़रूरत हो देना है, बाकी कोई इसको ज़्यादा वो नहीं है, इसके ऊपर मेहनत तलब नहीं है ज़्यादा। ये कुछ तस्वीर मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, जो नर्सरी की हैं, फिर लगाने के हैं कुछ तरीके, अभी तक मैंने भी लगाए नहीं हैं, लेकिन मैं तजर्बे की बुनियाद पे इंशाल्लाह अगस्त में कुछ पौधे लगाने जा रहा हूँ, फिर उनका भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि कैसे बढ़ोतरी रेट क्या है इसका। मैं लगाई टिशू कल्चर प्लांट्स रहा हूँ, तो इसके जो सप्लायर्स के रेट हैं वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत सारे ऑनलाइन सप्लायर्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जो बड़ी मंडी पाकिस्तान में है, जो मेरे इल्म में है, वो फैसलाबाद के अंदर टिम्बर मार्केट है, और वहाँ पे ये आसानी से सेल आउट यानी कि फ़रोख्त किया जा सकता है। बाकी ऑनलाइन सप्लायर अपना जो है थोड़ा बहुत नफ़ा रख के फिर आपसे यही मौके से भी ले जाते हैं। तो 8 से, ये लाजमी नहीं है कि आपने 8-10 साल के बाद ही बेचना है, आप जिस स्टेज पे भी इसको बेचना चाहेंगे, इसकी जितनी स्क्वायर फुट बनेंगे उस हिसाब से आपको रेट दिया जाएगा। ये मेच्योर यानी कंप्लीट तैयार होता है, वो 8 से 10 साल का अरसा लेता है, मिनिमम 8 साल। वो आपकी ज़मीन के ऊपर भी है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट आपके मौसम का भी है, और मैक्सिमम जो है 10 साल में तैयार होता है। तो आप अगर इसको 3 साल बाद भी बेचना चाहेंगे तो ये बिक जाएगा।
यानी इसकी लकड़ी उस वक़्त बिकना शुरू हो जाएगी जब ये नाप तोल में आ जाएगी, स्क्वायर फुट के उसमें मुरब्बा फुट में पैमाइश हो सकेगी, तो उस वक़्त ये बेचने के काबिल हो जाता है। तो ये थी मालूमात आज जो आपसे शेयर करनी थी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।